नमस्कार। पूरे नाटक परिवार की ओर से मैं अभिषेक दास आप सबका हमारी 23वीं प्रस्तुति में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले ही साल हमने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई थी। हम आशा करते हैं आपके साथ नाटक का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दर्शकों से निवेदन है कि वो अपने सेलफोन्स, पेजर्स, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, रेडबेरीज जो भी हों बंद कर लें। फ्लैश फोटोग्राफी वर्जित है। भारत के एक गुमनाम शहर में कुछ सरकारी मुलाजिमों की रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली एक हलचल की एक छोटी सी झलक की हम प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं संजय सहाय द्वारा लिखित और नवज्योति शर्मा द्वारा निर्देशित नाटक जांच पड़ताल। भगवान के लिए झोटा झोटी बंद करो और हमको शांति से रहने दो। पहले ही मिजाज डिस्टर्ब है। नहीं समझता है तो काहे किए थे ब्याह? पापा मेरी बात भी तो सुनिए। शट अप एंड गेट आउट। पूरा घर सना गया है। झूलन, अरे ओ झूलन बा। जी हुजूर। सबको खबर भिजवाया रे? जी सरकार। अरे जी सरकार, ये छक्कापन छोड़ो। कोई ससुरा आया है कि नहीं? हम ही मूर्ख थे जो इतना पैरवी लगा लगा के सबकी पोस्टिंग कराए। काम के वक्त कोई नजरे नहीं आता है। जी मजिस्ट्रेट साहब का फोन आया था, वो स्कूल इंस्पेक्टर और सिविल सर्जनवा को लेते हुए पहुंचेंगे। तब तो हो गया। सिविल सर्जनवा को दवाई बेचे से फुर्सत मिलेगा तब ना। अरे साले 5 कप चाय बनाओ, वो लाल पत्ती वाला, और जैसे सब लोग आ जाए हमको खबर कर देना। जी हुजूर। हाँ का महाराज, अरे जल्दी आइए आप। ठहरिए ना, कुछ लग गया। जी जी जी, जरा उधर ही रहिए। प्रातः काल में तो यार मनुष्य का ही हो सकता है। बचपन में कितना खेलते थे ये सब, आपने तो पुरानी यादें ताजा करा दी भाई। खाली है कोबो में लगे रही है। बेटे की बारात में नहीं बुलवाया था, इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया है, समझे? अब बकलों के जैसा कोची तक रहे हैं। अरे दर बजवा तो बंद कीजिए महाराज, गजब करते हैं। अरे लटक दलाली छोड़िए और ध्यान से सुनिए, आज सुबह बहुत बुरा खबर मिला है। नेताजी गए क्या? चले गए? हो गया क्रिकेट मैच का कप्पाड़ा। थैंक्स गॉड, हमारे यहाँ तो केबल टीवी आता है। अब 7 दिनों तक तानपुरा सुनिए टीवी पर। अब यह तानपुरा हम पर ही बजने वाला है जी। हमको एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स से पता चला है कि सेंटर से एक हाई फाई अफसर यहाँ के हालात का जांच पड़ताल करने आ रहा है। ये कैसे हुआ?
जरूर विदेशी ताकतों का बैठकबाजी है। कौन सी विदेशी ताकतें? अरे हर नेता अफसर को पता है कौन सी विदेशी ताकतें, एकदम से जनता छाप है क्या महाराज? अच्छा अच्छा समझ गए। ये हाई फाई अफसर का क्या मतलब हुआ? अरे हाई फाई का मतलब है टेक्निकलर। नहीं बुझे? अरे वह अफसर आएगा भेष बदलकर। भेष बदलकर? आखिर ये सब क्या हो रहा है? जानते हैं आज शहर के वक्त एक सीआरएम को पार्क में सिनेमा करते हुए देखा, एकदम से बम्बईया स्टाइल में। हमको तो उसी समय अपशकुन का आभास हो गया था। तभी कहे श्रीमान, कल से ही हमारा बाया क्यों फड़क रहा था, और ये देखिए यहाँ आते हुए हमारा पैर भी कुछ गंदगी में पड़ गया था। एक मिनट में सब कुछ घटने लगा आप लोगों के साथ है? अच्छा सुनिए, हम अपने दोस्त का लेटर पढ़ के सुनाते हैं जिससे हमको यह मनहूस खबर मिला। लिखता है, प्यारे बंडमरू, अरे इसका मतलब है हम गजेंद्र, मुख्य समाचार यह है कि केंद्र ने किसी अज्ञात कारणों से तुम्हारे राज्य की जांच पड़ताल हेतु उच्चाधिकारों से लेस एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। सूचना है कि तुम्हारे क्षेत्र का विशेष रूप से निरीक्षण होगा। अरे एकदम चूतिया के जैसा ही मिलता है, साले इनकी तरह मुंह तेरा हो जाए। आगे लिखता है, यह निरीक्षक बहुत चालाक है और भेष बदलने में माहिर, भयंकर भेदिया ही समझो, यह किसी भी रूप में तुम्हारे शहर पहुंच सकता है। भिखारी, साधु, विद्यार्थी, यात्री, मरीज या पहलवान, कुछ भी, विश्वास नहीं करोगे, पिछली जगह तो इसने लाउंडिया का रूप धारण कर रखा था और वहां का मेयर उस पर अटेम्प्ट करके ऐसा फंसा कि मत पूछो। सावधान रहना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। परसों फिरौती वसूल ने बनारस गया था, मुन्नी भाई से मुलाकात हुई, तुमको बहुत याद कर, बाकी सब कॉन्फिडेंशियल बात है। गजब की बात है, भेष बदल कर चोरी से आएंगे, वो भी छोकरी के रूप में। मानो वह भीम हो और हम सब कीचक। ये तो सरासर गुंडई है। छोटे से शहर में जांच का क्या मतलब है? अरे जांच करवानी है तो दिल्ली में करवाइए, वहां कोई कम चोरी है क्या? फोर्स से लेकर हवाला तक जिधर देखिए अरबों का घोटाला है। अरे पहले उसे संभालिए साहब, भाई हमारी छोटी मोटी बातें उछालने का क्या मतलब है? ये कोई जस्टिस हुआ? जबरदस्ती एक बैकवर्ड स्टेट के पीछे पड़े हुए। अरे इस तरह से हमें तर्जनी करने का औचित्य? अब यह सब लोग मिलकर ही सोचिए, जरा अपनी किडनी का भी इस्तेमाल कीजिए। हमें लगता है इस इंक्वायरी के पीछे जरूर राजनीतिक साजिश है, नहीं तो भला एक चोर दूसरे चोर पर इंस्पेक्शन करता है। सॉरी, हमारा मतलब है एक चोर एक बेईमान आदमी पर। मतलब जरा आप लोग सोचिए। नेताजी भी हम पे चिड़े हुए हैं, हमारी पॉपुलैरिटी से जलते हैं, वो भी गलतिए होंगे। और याद है पिछला बार जब उनको रुपया से तोड़वाए थे, अरे हम पर ही चार्ज लगाए दिए कि गठरी में 5 किलो कम है। अरे अगर वापस जाते जाते उनका वजन बढ़ गया तो उसमें दोष हमारा है। भाई शहर का लोग भी बहुत परिज्ञ है सर, हमको लगता है किसी ने कंप्लेन भेजा है। हमें लगता है इसमें जरूर विरोधी पार्टी के मुचिंदर लाल का हाथ। अच्छा रे साले मुचिंदरा, जब लड़का किडनैप हो जाएगा तब आओगे घिघियाते हुए हमारे पास। खैर वो सब बाद में सोचा जाएगा। देखिए आप लोग ठहरे सरकारी नौकर, इस इंस्पेक्शन से आप पर ही ज्यादा खतरा है। हम तो जनता के प्रतिनिधि ना है, अपनी जिम्मेदारी और अधिकार दोनों जानते हैं, अब हमको कार्डर होगा भाई। फिर भी कर्तव्य पालन की दिशा में हमने कुछ योजना बनाई है। देखिए आप लोग फौरन अपना अपना विभाग सुधारिए और कागज पत्र दुरुस्त कीजिए। अरे अरे जुनर, ये चाय है कि बिरबल का खिचड़ा है, जल्दी लाओ। मलकिनी का सैंडल खोज रहे हैं मालिक। अरे सार गधा ही यहां बड़ा है, लेकर जाओ।
एक पैर का सैंडल यहाँ खिस आया, दूसरी जगह ब्रेनवा बांधने लगाइए। पहले अपना देख लीजिए, सबसे कंडम हालत आप ही का है। पड़ताली अफसर अगर देख लिया तो सीधे नजबंदी कर देगा। देखिए, नर्स, वार्ड बॉय और मरीज सबको एक लाइन से नहलवा के साफ सुथरा कपड़ा बांधवा दीजिए। अस्पताल प्रांगण की पूरी सफाई करवाइए, और जो सुअर, कुत्ता, बिल्ली जो वार्ड में घूमता रहता है ना, उन सबको पकड़वा कर शहर के बाहर छोड़वाइए। मेरा सुझाव है श्रीमान कि क्यों ना उसे पशुओं का ही अस्पताल बता के मुआयना करा दे। हमारी तरफ से चिंता मुक्त रहिए। अरे जरा बोलिए, काम पहले लिखिए। हाँ, ध्यान से पूरा मैटर तो समझ लीजिए। आज से लेकर इंस्पेक्शन हो जाने तक दवाई बेचना बंद। दवाई बेचना? हाँ, वो पानी वाला इंजेक्शन और चाक वाला टैबलेट सब फेंकवा दीजिए। हाँ, और हॉस्पिटल का हिसाब किताब, बही खाता सब तरीका से भरवा डालिए। बल्कि मेरा तो नम्र निवेदन है कि डॉक्टरी के झंझट से हटा कर इन्हें बही खाता भरने का कार्य ही सौंप देते हैं। अरे एक तो इनकी हस्तशिल्पी अधिकारी का बाप भी नहीं समझ पाएगा, और दूसरे मरीजों के पेट में कैंची छूटने की घटना पर भी रोक लग जाएंगी। आइडिया बुरा नहीं है। एक दो बार हो क्या गया, आप लोग तो लिमिट ही क्रॉस करते जा रहे हैं। ये छोटी मोटी मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, समझे आप? बड़ा जैसा मत कीजिए। फिर भी कम से कम सीरियस मरीजों को तो हटवा ही दीजिए, वरना आला अफसर समझ जाएगा कि डॉक्टर को कुछ नहीं बुझाता है। हॉस्पिटल पर एक्सपर्ट कमेंट देने से पहले आप अपने कचहरी की चिंता करें तो बेहतर रहेगा। एक कमरे में आपका सर बेटा नंबर या लॉटरी का टिकट बेचता है, और दूसरे कमरे में आपका चेला भैंस का खटाल चलाता है। कोई मतलब हुआ? पशुपालन घोटाले में खुद भी फंसिएगा और हम सबको मरवाइएगा। बिल्कुल, अदालत का भी कोई कायदा होता है कि नहीं? अरे इसमें कायदे की क्या बात है, और भैंस वाला इशू तो ऐसे भी पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। अरे समझ रहे हैं, कम से कम वो बोतल तो हटवा दीजिए कमरे से। और ऐसा कीजिए, दो एक दिन उस कमरा को सार्वजनिक मूत्रालय की तरह इस्तेमाल करवाइए, ताकि कचहरी कचहरी के जैसा गमके, ना कि कलाली की तरह। क्यों? वो तो हो जाएगा। दया करके वो जुए का अड्डा भी हटवा ही दीजिए संकटा बाबू। प्राइवेट पार्टी खिलवाए तो जुआ, और गवर्नमेंट खिलवाए तो लॉटरी, वाह। अरे गवर्नमेंट जरा ऊपर की चीज होती है संकटा बाबू, जुआ हो, शराब खाना हो या नाचगर, उसके लिए सब जायज है। भाई देखिए, लॉटरी वाला में प्रॉब्लम है, ससुराल का मामला है, वाइफ को कौन समझाएगा? जांच अधिकारी को दूर से दिखा देंगे। आप कह दीजिएगा स्टाम्प पेपर बिक रहा। स्टाम्प पेपर बिक रहा, वाह क्या बात है। अच्छा एक बात और, जरा रंग ढंग भी सुधारिए अपना, आजकल कुछ गहरा गोता मारने लगे हैं। आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। यह कोई कानून का सिद्धांत नहीं है जो आपकी समझ से परे है। अरे सीधी सी बात है, अपने भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाइए। आपका मतलब है मैं रिश्वत लेता हूँ? बिल्कुल सही पकड़ा। अगर किसी ने कभी दो एक बोतलें पहुंचा दी तो वो भ्रष्टाचार हो गया। गिफ्ट एक्सेप्ट करना तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कायदा है साहब। अंग्रेजों के चमचे, इसे भी भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा, समझे? महापौर महोदय, हमारे हिसाब से भ्रष्टाचार उसे कहते हैं जब दो कौड़ी के लोग जनप्रतिनिधि बनकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और ऐसे आलिशान बंगलों में रहने लगते हैं। सुनिए, ये सब समाजवादी भाषण झाड़कर आप अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाइएगा संकटा बाबू। देखिए, मैं हर बात में आपकी चमचागिरी नहीं कर सकता, कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे मेरी आपसे विनती है कि छोटी मोटी बातों से आवेश बनाए और अपनी कार्य पद्धति पर पूरा ध्यान दे संकटा बाबू। आप ज्यादा सीख मत दीजिए, अपना होश है आपको? हमारा तो सब काम दुरुस्त है श्रीमान। घंटा दुरुस्त है? एक को शिक्षक नजर आता है? इस पे हमारा क्या दोष है? और कुछ तो आपके चुनाव के दरमियान ही झड़पों में घायल हो गए थे, और कुछ फरार हैं, और जो कुछ विरोधी पार्टी से संबंध रखते थे उनको तो आपने ही जेल भिजवा रखा है श्रीमान। अच्छा अच्छा अच्छा, बकबक बंद कीजिए, उपाय सोचते हैं। तब तक स्टूडेंट लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि इंस्पेक्शन हो जाने तक बम पिस्तौल लाना बंद करें।
और अरे क्या क्या ढूंढ रहे हैं? कागज वो उधर पड़ा है, ले लो। हाँ तो बाल वाल दाढ़ी वाढ़ी सब काट कर सब में बिकने का प्रयास करें, और उस छत की मरम्मत कराइए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके सामने ही ढह जाए। और हाँ, स्कूल से शौचालय से लेकर सरोव प्रिंसिपल वा के कमरा तक दीवार पर जो गंदा गंदा बात या गंदे चित्र बने हैं उन पर तुरंत पहुंचाना करवाइए। गंदी बातें, गंदे चित्र, तो यही हाल है आज के आपके स्कूल का है। और अगर पोचारे के बाद भी पूरा नहीं छुप सके तो उसके ऊपर ज्योमेट्री के फिगर या अलजेब्रा के फॉर्मूले लिखवा डाली, आके बटी रह जाएगी ससुर की। अभी तो कहा जा सकता है श्रीमान कि विद्यालय अवकाश पर है, यहाँ का यही कायदा है। बिल्कुल, और यह भी कि स्कूल इंस्पेक्टर मिस जूली के ऊपर शिमला में कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कैसा रहेगा? जिनके स्वयं के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते सिविल सर्जन साहब। देखिए ये सब राजकुमार के डायलॉग मत मारिए। सुनिए, ये जो इंस्पेक्शन वगैरह चीज है वो कोई भारी चीज है नहीं, लेकिन भेज बदल कर, जरा जरा सोचिए, हम लोग यहां बैठे हैं और अचानक से दरवाजा खटखटा है, उस साला अफसर वहां अंदर घुसकर बोले, अच्छा ये सब प्लानिंग चल रहा है यहां पर, सोचिए जरा सोचिए। इसीलिए कहते हैं आपस का झगड़ा बंद कीजिए और अफसर के आने से पहले सब कुछ सुधार लीजिए। अरे 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 गजब के डरपोक लोग यार, मास्टर साहब जरा देखिए कौन है, देखिए 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 कौन है, हाँ देखिए देखिए तुम कौन? अरे हम हैं पोस्ट मास्टर। अरे बाप, इतना घबरा क्यों गए? अरे दरवाजा तो बंद कीजिए महाराज, एकदम सेंस नहीं है। समाचार मिल गया है ना? जी सुबह सुबह चिलमची मियां से पता चला है। तो इस जांच पर आपका आइडिया क्या कहता है? निश्चित रूप में इसमें अमेरिका का हाथ है, या फिर जनता ने लिखित रूप में कंप्लेन कर दिया है सर। हो सकता है, पर हम किसी से नहीं डरते। सामाजिक न्याय का हमारा तरीका थोड़ा बहुत उलट पुलट भले हो, पर हमारी निष्ठा का ईश्वर साक्षी है। तब है कि इतने बड़े अफसर के नाम से घबराहट होना तो नेचुरल बात है। और घबराहट में अक्सर जुबान से सच बात स्लिप कर ही जाती है। कम से कम अपना जुबान स्लिप मत होने दीजिएगा। देखिए पोस्टमास्टर साहब जी, हम सबके हक में जरूरी है कि शहर से बाहर जाने वाला हर लेटर आप खोल कर देखें, और उसमें अगर हम लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो तो उसको अग्निदेव के हवाले कर देंगे। अरे ये कौन भारी बात है, कितना मनी ऑर्डर हमारी टेबल के आगे बढ़ा ही नहीं। और लेटर खोलकर पढ़ना तो हमारी पुरानी आदत रही है साहब। कोई ऐसा चिट्ठी तो नहीं देखे जिसमें इस खतरे का जिक्र हो? ध्यान तो नहीं आता है मेयर साहब, लेकिन आपकी विरोधी पार्टी के वो छिंदर लाल की एक चिट्ठी रखी है, बनारस की किसी मुन्नी भाई के नाम। अरे क्या नमकीन चिट्ठी है, पढ़ना चाहेंगे? हाँ पढ़िए। अरे मुन्नी भाई, मुछिंदरा हरामजादा, इंस्पेक्शन खत्म हो जाए फिर तुम दोनों को देख लेंगे मुन्नी भाई। ये भी कोई वक्त था चिट्ठी दिखाने का? श्रीमान को विचलित कर आपने उचित नहीं किया महोदय। ज्यादा पॉलिटिक्स मत खोलिए, ठीक नहीं होगा। शिव शिव, आपके ओछे आचरण से क्या धारणा बनेगी जांच अधिकारी की? विचार कीजिए, वे सचमुच कहीं अगर आ गए तो? अगर मगर कुछ नहीं, आप ही यहां बकबक करते बैठिए, पता भी नहीं चलेगा कब पर्दा हिला और कब जांच अधिकारी अंदर। अरे ये क्या कर रहे हैं? मास्टर साहब जरा देखिए। कदापि नहीं, एक सिविल सर्जन साहब की बबू पा रही है। हाँ डॉक्टर साहब जरा देखिए कौन है, सावधानी से। अरे भाई हम लोग तो चिलमची मियां और पंडित लोटा प्रसाद हैं, पीट पीट कर दरवाजा ही तोड़ डालिए, क्या प्रॉब्लम है आप दोनों का?
बड़ी बुरी खबर है मेयर साहब। क्या हुआ? भगवान के लिए ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन हुआ क्या? नहीं पूछिए तो बेहतर होगा। अरे हुआ क्या पूछिए, का नहीं हुआ, अब बचा ही क्या है। इसी पर एक शेर अर्जुन वो कुछ इस तरह खामोश। कुछ फूटेगा भी मुंह से कि बस रेंगते रहिएगा। सुनिए अरे हमसे सुनिए, आज सवेरे कुछ ऐसी घटना घटी कि हमें घर से ऐसे ही निकलना पड़ा। फिर कुछ घटनाओं के बाद जो है क्या गोल गोल जलेबियां छाट रहे। हम आज सीधे क्यों नहीं कहते कि हम आपको लेकर होटल फाइव स्टार पहुंचे। हम जब भी बोलना शुरू करते हैं आप भट से पीछे में कूद जाते हैं। भाई आपके बताने का तरीका बड़ा बचकाना। लेकिन आप भूल जाते हैं कि जब सेठ दमड़ी लाल की जवान बीवी अपने ड्राइवर के साथ भागी थी तो शहर में सबसे पहले हमने खामोश तमाशा बनाए रखे हैं। शुक्रिया मेयर साहब। तो साहेवाल मैं शुरू से सुनाता हूं। पहली सुबह आपसे पड़ताली अफसर की खतरनाक खबर सुनकर मैंने पूछताछ कर जनाब ठीक कहा ना जी, इनको खबरदार किया, वहां से कोतवाल साहब को बता दे। लेकिन वो किसी मामले से लिपटकर सो रहे थे। वापस चला ही था कि देखा दूर से एक भिकमंगा हमें रुकने का इशारा कर रहा। बड़ी नाजुक हालत थी साहब। बहरहाल हम रुक गए। नजदीक पहुंचे तो देखा पंडित नोटा प्रसाद थे। हमने कहा मिया ये क्या हाल बना रखा। इन्होंने खुलासा किया कि बीवी से सुबह सुबह हाथापाई हो गई थी और जनाब पिट पिटाकर हमरी एक पिटाई में बहुत कूद रहे हैं और आप जो चार चार से पिटते हैं सो याद है। टोकिए मत, आप टोकिए मत और हद से गुजर रहे हैं। हम तो पागल हो जाएंगे। बाप रे बाप। लीजिए अब ये भी टोकने लग गए। बुझो भूमिका बांधे तो नारेटिया चिप देंगे। गजब कर रहे हुजूर, जरा दम तो ले ले। खैर साहब, लोटा प्रसाद घरेलू हादसों का शिकार होकर भूखे प्यासे घर से निकल पड़े। सो इनकी हालत पर तरस खाकर हम इन्हें लंच के लिए होटल फाइव स्टार लिए गए। हमने लंच करना शुरू ही किया था कि देखा एक लंबा चौड़ा रोबदार नौजवान जींस की पतलून और काला चश्मा। भाई आप लगातार टोक रहे। एक लंबा चौड़ा रोबदार नौजवान हमें बड़े गौर से देखा जैसे कोई गहरी बात काट रहा हो। हम दौड़े दौड़े मैनेजर के पास गए और उस आदमी के बारे में पूछा। तो मैनेजर क्या बोला? बोला दिल्ली से आया है, सबकी मिजाज और बात बात पर बिगड़ना, दो हफ्ते से रह रहा, ना रहने का पैसा देता है ना खाने का, सब उधार खाते में जा रहा। तो ये सुनकर तो मेयर साहब ने उछल पड़ा। मेरे पूरे लोटा प्रसाद से कहा भाई लोटा मिल गया यही है वो। अरे बाबा कौन मिल गया? हाँ किस भेष बदलू की बात कर रहे हैं आप? कमाल करते, अजी कमाल करते हैं आप लोग, भूल गए दिल्ली से आया हाकिम और जांच अधिकारी। वो नहीं हो सकता, वो कहां से होगा साहब? वही है हुजूर, जरा बात की नब्ज पकड़िए। होटल में मुफ्त खोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, ये खसूसियत बड़े अफसरों की होती है। फिर जिस पेनी निगाह से उसने हमारी ओर देखा था, ओ, 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 मत कहिए वल्ला उनकी शेर से निकाली। यानी कि मेरा तो पजामा भी जरा सा गीला हो गया था। फिर झूठ ज्यादा हाँके मत, पजामा आपका नहीं मेरा था। आप ही का था बस, कहिए तो अभी लौटा दे। अगर यही है तो भगवान ही पार लगाए। कमरा नंबर भी पता किए? 10 नंबर नीचे दाएं जाकर बाएं, जिसमें पिछले साल उसब धराई थी। भैया कब से रह रहा है जी? 2 हफ्ते से। हे राम, पिछले 2 हफ्ते में तो बहुत लापरवाही से काम हुआ है, अब क्या करें? गाड़ी निकलवाइए और फौरन चलिए। अरे जरा ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले।
जी वो तो बेबी जी और मैम साहिब ब्यूटी पार्लर लेकर गई है। कपार फोड़ ले अपना, सब बौड़ा गया है इस घर में। चिलम जी मियां आप ऐसा कीजिए, दौड़ कर जाइए और एक ठो रिक्शा लेकर आइए। जाइए साहिब। संभवतः इसी काल में ट्रेजरी से 50,000 रुपए निकालकर आपने स्टेट बैंक की प्रतिभूतियां और मेरा मतलब है शेयर्स खरीदे थे श्रीमान। कोई खुशी से नहीं खरीदे थे, फैमिली का दबाव था। काफी गुदगुदा दबाव रहा होगा क्यों? ज्यादा बचर बचर मत कीजिए। अरे हाँ, इसी बीच वो हलवाई संघ वाले एक विलायती टी शर्ट देकर गए थे, ससुरों को अभी देना था। कौन सा सेट? अरे यही जिसमें आप लोग चवा पी रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? साले को बंधवा कर गौशाला में धरवा देते हैं। हमारी मानिए तो हम लोगों को तुरंत कुछ गुलदस्ते वगैरह लेकर अफसर जी का होटल चलना चाहिए। नहीं नहीं, हम अकेले ही जाते हैं। आप लोग कुछ बुड़बक जैसा उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, मैटर में बिगड़ जाएगा। नाम वाम भी पता किए, कौन जाता है? लिखता तो कुमार है। कुमार से क्या निकलेगा, कुमार तो ब्राह्मण लाला राजपूत कोयरी बावन कुर्मी चमार सब लिखता है। देखने से हुजूर की जात का लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। आप ऐसा कीजिए, यहाँ सब फिटफाट कराइए, तब तक कुछ जुगाड़ लगाकर हम हकीम से मिलने का प्रयास करते हैं। हाँ। चलिए आप हमारे साथ चलिए। हाँ। चलिए क्या लाइफ, कहीं वेश बदल के रहिए तो कहीं नाम छिपाते चलिए। दिल्ली तार भी नहीं कर सकता, सारा भेद खुल जाएगा। एक छोटी सी भूल और इतनी बड़ी सजा। अपने बदल लीजिएगा। अरे उस्ताद फटाफट खाना भिजवाओ, और सुनो तब तक एक बीड़ी तो पिलाओ। आपका भोजन तो संभव नहीं है। क्या बकते हो, बकना उतना मत कहिए। नीचे मैनेजर साहब आर्डर पास किए हैं, चाहे तो आप नकदी निकालिए नहीं तो आपका भोजन पर कर्फ्यू रहेगा। आखिर वो समझता क्या है मुझे? वही तो आप है मुक्त खोर। अरे वो तो ये भी कह रहे थे कि गज्जू बाबू के पास जाकर शिकायत करेंगे। गज्जू बाबू, ये किस जानवर के नाम है भाई? जानवर नहीं, यहाँ के मेयर साहिब बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा अच्छा, भाषण बंद करो, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जाओ एक बार फिर ट्राई करो। ये साहब हम मैनेजर को यहीं बुला लाते हैं, खुद ही बतिया लीजिएगा। मैं उस बज्जुबान का मुंह नहीं लगना चाहता। अब तुम जाते हो या मैं नया रंग दिखाऊं? रंग दिखाइएगा तो दिखाइए ना। अरे यार तुम भी क्या याद करोगे, लो जाओ फटाफट खाना ले जाओ। 5 रुपया होटल 5 स्टार नाम से धोखा खा गया मैं। पर किया भी किया जाए, जेब में बस ये 5 का नोट बचा है। क्या नाश हो 56 छुरी का, ठगो की रानी की साहब, ठगो की रानी। अरे कम्बक कहाँ आ गया? थैंक यू दोस्त। लगा मैनेजर साहब तो खड़े उखड़ गए, ये हम अपने हिस्से का ला रहे। एक बात है दोस्त, आदमी काम के हो, टिप टिप तो अच्छी कमा लेते हो गए क्यों? कई लोग भारी लेक्चर होता है सर, सिर्फ 5 रुपया देता। मजाक नहीं कर लेते, बहुत सुंदर। ये क्या, दाल रोटी और परवल की सब्जी, ये जानवरों का खाना खिलाओगे मुझे? ए साहेब हमने भोजन का इंतजाम कीजिएगा ना तो वापस ले जाएंगे। यार देखो बाकी चीजें भी तो लाओ, जैसे गुरुगन जोश, वो बिरयानी, वो मलाई कोफ्ता, वो सब चीज यहाँ नहीं मिलता है। अरे मिलता कैसे नहीं है दोस्त, थोड़ी देर पहले मैंने डाइनिंग हॉल में बड़े गौर से देखा, वो जोकर जैसे आदमी तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें हड़प रहे थे। जोकर? जरा धीरे बोलिए साहब, वो दोनों गज्जू बाबू के खासम खास है। और हमारे मेयर साहब के पास जितना फार्मूला है ना, उसमें से एक ठो इस्तेमाल हो गया ना नाजुक बदन पर, तो नाजुक बदन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ज्यादा बोल रहे इस सरियल से खाने पे और कितना धमकाओगे? ना पसंद है तो वापस ले जाता है साहब। यार तुम तो हद ही कर रहे हो, कम से कम एक आइसक्रीम भी लेते हो। देखना पड़ेगा आइसक्रीम, इसमें देखना क्या है दोस्त, लपक कर जाओ और बढ़िया सी आइसक्रीम चुरा कर लेते हो।
गल गया हुजूर, पिघल गया। राम साहब नीचे गज्जू बाबू कमरा नंबर 10 का रास्ता पूछ रहे थे। 10 नंबर यही मेरे कमरे का? भाई तुमने आइसक्रीम के बारे में तो नहीं बता दिया। देख तो लेकिन थे हुजूर, पर हम उन्हीं को थमा दिए। लगता है तो मैनेजर के बच्चे ने शिकायत करती होगी। सोचता होगा मेयर से जान पहचाने तो मुझे जेल भेजवा दे। अरे मैं भी ऐसा रूप दिखाऊंगा जिससे ही मर गया बेटा। अब तुम रहो सब नौकरी साले। तुम्हें टुनकुजिया शहर के मेयर का रंग है ज्यादा इतराम। अम्मी दिल्ली से है, दिल्ली से है। पीएम सीएम से तक पहुंच गया हमारी। अरे तुम्हें तो एक घंटे में अंदर कर लेंगे। गज्जू बाबू मेयर साहब। क्या मेयर साहब, तुम्हारे मेयर की ऐसी की तैसी। सॉरी सर, बिना परमिशन के अंदर आ गए, क्षमा चाहते। बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। बोले ठीक बोले। बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। जी तेरे की गुड आफ्टरनून कहना भी भूल गए। प्रैक्टिस वाली है ना। सॉरी सर, क्षमा किया जाए। आपके लिए चपक गया। ऐसा है महोदय, महापौर होने के नाते हम तो स्वयं नगर का डेली राउंड लगाते हैं ताकि किसी को शिकायत बतियाने का चांस ही ना मिले, कोई शरीफ लोगों को तंग ना करे। देखिए मैं तो मान ही रहा हूँ, कुछ कसूर मेरा भी है। मैं होटल के बर्तन माज के भी पैसे चुका दूंगा। लेकिन आप इनका स्टैंडर्ड भी तो देखिए। अब आप ही बताइए, वो खाना है ये जानवरों का चारा? चारा चारा माय बाप, ये माय बाप होटल माय बाप चारा घोटाले में हमारा कोई हाथ नहीं है। होटल वालों की तरफदारी मत कीजिए। अरे ये सर, ये मैं सब तो आइसक्रीम तक चुराने को मजबूर कर देते हैं, ऊपर से मैनेजर 10 तरह की धमकियां देता है। देखिए मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। हम खूब समझ रहे हैं कृपा निधान। लेकिन विश्वास कीजिए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपसे एक विनती है, आप चलिए हमारे साथ। मैं और आपके साथ चल। कैसी मीठी मीठी बातों में फंसा कर ले जाना चाहते हैं? कहाँ, जरा मैं भी तो सुनूं। ज्यादा शराफत की एक्टिंग मत कीजिए, जो कहना है साफ कहिए। आप तो बुरा मान गए, जरूर दुश्मनों ने काम कर दिया। कोई राइट नहीं है आपको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे क्या समझते हैं आप, ये दादागिरी मुझ पे नहीं चलेगी। अरे मैं तो चीख पुकार कर भीड़ जुटा लूंगा। अरे दिल्ली तक रिपोर्ट करूंगा कि यहाँ क्या चल रहा है। सब देख रहा हूं मैं। सब देख चुके हैं। रिपोर्ट मत कीजिए हुजूर, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। दरअसल हुजूर, हमको ब्रेनवा कुछ कम ना है, इसीलिए कभी कभी घूस लेने की गलती हो जाती है। घूस? अब समझा आपका ये ड्रामा। लीजिए ये लीजिए, इतना ही है मेरे पास। अब आगे मुंह मत खोलिएगा। आपको तो एक एक बात का पता चल चुका है, लेकिन विश्वास कीजिए हुजूर, रिश्वत हमेशा 10-5 रुपए तक का ही लिए है। एक बार खाली VCR सेल, सॉरी VCP लिए थे, और एगो ये थी सरकार, वो भी 14 इंच वाला, और वो हलवाई संघ वाला और ट्रेजरी का बात जो सुने हैं वो सरासर गलत है, सब दुश्मनों की चाल है। वो सब जो भी हो, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रहा होटल का बिल, मैं चुका दूंगा। अभी जे खाली है, मैं जरा टॉयलेट से होकर आता हूं। एक नंबर का घाव है, क्या तो जेब खाली है। वाह अच्छा मौका है, थोड़ा चारा डाल के देखिए, हिट दीजिए ना। हाँ ठीक बोले, वैसे देखने से तो अपने ही जात का लगता है। हुजूर अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो चिंता मत कीजिए हुजूर, हम तो है ही आपकी सेवा में। हमारा मतलब है आप सेवा का मौका तो दीजिए हुजूर। मैं वाला क्यों मौका दूं? अजी साहब सब समझता हूँ, कई फिल्मों में देखा। आप जरूर खुफिया विभाग से होंगे, क्यों? कौन हम? जी हाँ आप। और अगर गलती से मैंने कह दिया, कुछ रुपए दिलवाइए ना, बस पलक झपकते ही आपकी मीडिया का बदल जाएगी।
अरे ये क्या बोल रहे हैं हुजूर, दिलवाने की क्या बात है? आप ये रहे 2000 कम लगे तो लग जाइएगा मत, बेझिझक कह दीजिएगा। ले लो कमाल भाई कमाल, आप तो सज्जन पुरुष निकले और मैं क्या समझ बैठा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा होटल का बिल कैसे चुकाया जाए। होटल का बिल कैसे चुकाया जाए, घूस मांगने का अच्छा तरीका निकाला। फंस गया सेठ जाल में फंस गया। देखिए अभी ऐसा पोज करना चाहिए कि हम इसको इसका असलियत नहीं जानते। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना बैठिए। घुमा फिरा के बात जरूर किया जाए, कभी इसका था लगेगा। और घर कहाँ पड़ेगा महोदय? घर कहाँ पड़ेगा महोदय, बाप दादा का नाम भी पूछ लीजिए, एकदम देहाती के जैसा बात करते हैं। चुपचाप रहिए। वैसे हम लोग यहीं के हैं। क्या है कि बाप दादा दिल्ली में जाके बस गए। वाह क्या बात है। देखिए बुजुर्ग, हम तो ऑपरेशन कीचक वाले मेरवा की तरह पतित तो है नहीं, यह तो हमारी ईमानदारी और ब्रह्मचर्य का फल है जो आप जैसे महान अतिथि से परिचय हो गया। ऑपरेशन कीचक, कुछ समझा नहीं। पर हम समझ गए इस गोपनीय मैटर के बारे में हमें बोलना नहीं चाहिए था। तो फिर कहाँ कहाँ घूमने का इरादा है? अरे साहब घूमना कैसा, अपना तो जॉब ही ऐसा है, आज यहाँ तो कल वहां, ऊपर से कोर्ट कचहरी की चिंता। देखिए क्या बोले थे हम? कुछ कहा? नहीं, क्या खूब कहा आपने, चिंता चिंता, अब हमको ही देख लीजिए, नेता ना है, मारे चिंता के खाने पीने तक का होश नहीं रहता है, लेकिन बड़ाई करना तो दूर, उल्टा लोग हुजूर से हमारी शिकायत करते हैं। अरे लगता है इस कमरा में बहुत गंदगी है, फिर कहा है? और लगता है कमोड़वा में पानी भी नहीं आता है। मत पूछिए, बहुत खराब हालत है यहाँ तो, लाइट और हवा का भी प्रॉब्लम है। कितनी बार मैनेजर से कहा पर वो तो साहब मिसबिहेव करता है। हम आज ही उसको छोड़ी को उठवा लेते। हमारा मतलब है हम आज ही उसको दुरुस्त करवा लेते। बुजुर्ग हम कुछ कहने का साहस नहीं, रहने दीजिए। अरे बेशर्मी से कहिए। नहीं, कहां राजा भोज और कहां गंगुआ तेरी। एक बार कहकर तो देखिए। देखिए हुजूर, हमारी कोठी में एक बड़ा सा एयर कंडीशन कमरा, एयर कंडीशन हाँ, अटैच बाथरूम, टाइल भी लगा हुआ है सरकार। टाइल मतलब आप चाहते हैं मैं आपके घर चलूं? देखिए आप हमारी बात को अदरवाइज मत समझिए। मन में विचार आया था, मुंह से सुलिप कर गया। सिंपल आदमी ना है। नहीं भला मुझे क्या एतराज होगा, लेकिन हाँ मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह थैंक यू सर, अतिथि देवो भव। देखिए आप इसको बटरिंग मत समझिए, उस पर आप जैसा महान अतिथि तो सोना में सुहाना ही ना हुजूर। बाय द वे आप लोग किस ब्रांड की पीते हैं? अरे साहब के बारे में आपको बताने ही वाले थे, इनकी पेचानी में तो बम वाला फार्मूला ही इनको। तो अरे सामने साहब के सामने हमारा इंप्रेशन भी करता है, जिंदा गाड़ देंगे। अभी मान लो मान कह रहा तू, अभी मान लो मान कह रहा है, अतिथि से बिल मांगता है, शहर का नाक कटवा दिया। बिल्कुल सही किया आपने, जरा सा भी कायदा नहीं है इन लोगों को। यह तो हर देशभक्त का कर्तव्य है सर। तो फिर जांच पड़ताल कब करना चाहेंगे? कैसी जांच पड़ताल? मजाक कर लेते हैं हुजूर। तो हम कह देते हैं आप बेकार कष्ट उठा रहे हैं, हम तो सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हैं। अब फिर दोनों पक्षों की बात जानने के बाद ही तो उचित फैसला कर पाइएगा ना। भाई काफी दिलचस्प इंसान मालूम होते हैं।
और जज बनने में मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। तो अगर हुजूर को कोई एतराज ना हो तो पहले नगर की राउंड पर चलते हैं और फिर वहां से अस्पताल जाएंगे। हाँ। और भोजन भी वहीं पर। भोजन अस्पताल में? सिविल सर्जन वहां के घर पर। पर मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। अगर हुजूर को कुछ खास कारणों से एतराज है? नहीं नहीं, जहां आप ठीक समझे, आई एम फुली एट योर डिस्पोजल। मैं जरा फटाफट पैकिंग कर लेता हूँ। हम मदद करता हूँ। आइए सर, उठो। हाँ भाई सर, उठो भाई सब। सर लेते जाइए। अब आप देह हिलाइए यहां से, नीचे जाकर फोन करके गाड़ी मंगवा दीजिए और सिविल सर्जन वहां को सावधान कीजिए। उन पर इसको डाउट है। हाँ, किसी तरह से इंस्पेक्शन पार करवा लेते हैं। हाँ, और यह चिट्ठी वाइफ को दे जाना, बोलना सब तैयार रखे, हम अफसर जी को लेकर आ ही रहे। अच्छा, जाइए भाई, चलते हैं। जयराम चिट्ठी। हाँ, चलते हैं सर। अरे साहब, आपकी सूरत क्यों उतर गई? सूरत तो हुजूर ने बदल रखी है और हमको कह रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। वो बाल काटने वाले पतर की छोड़ी को देखी, संकटा प्रसाद की जनाना से जान पहचान में मन बड़ू होती जा रही है। क्या कर दिया उसने मम्मी? आज घूम झुक कर हमको प्रणाम नहीं की, देखी नहीं थी। ओहो, अब क्या जापानी स्टाइल में झुकती या कहो कि साष्टांग पसरी जाती? तुम भी हद करती हो मम्मी, छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। छोटा बात तो यही सब छोटा छोटा बात एक दिन करेजे का टीवी बन जाएगा। ये राजनीति है, तुम नहीं बुझोगी मुरा। ये बेबी ये पढ़ो तो। क्यों, खुद ही पढ़ लो, मैं तो मूर्ख हूं ना। यही तरीका है माई से बतियाने का? हाय, बहस मत करो, पढ़ दो ना बेटा। प्यारी इमरती, दिल्ली वाले अफसर आ गए हैं। देखने में तो नौजवान ही हैं, अक्षय कुमार जैसा होगा। लटर लटर मत बोलो मेरी। पर भयंकर रौब दाब वाले और बहुत गंभीर। सच्चे? और क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। खैर, भगवान की कृपा से मामला पट गया है, अफसर को ठहराने का बढ़िया इंतजाम कर देना। हम लोग सिविल सर्जन के यहाँ से खाकर ही आएंगे, फिर भी पूरी तैयारी रखना। तुम्हारा बेबी का पापा। मेयर हो गए, बाकी माथा में गोबर भरा हुआ। इतना बड़ा अफसर से लगे सबको मिलवाने, बाद में कोई इनको वैल्यू देगा? बेकार परेशान हो रही हो मम्मी, पापा सोच समझ कर ही ले गए होंगे। हाँ हाँ, सब ज्ञान तो तुमको है। ए बेबी, अब हमें जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। अभी तो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आए हैं। बहस मत करो, तैयार है तो उससे कहा। अरे अफसर दिल्ली से आया है, हुआ तो उसकी बुढ़िया दादी भी घंटा घंटा में मेकअप बदलती होगी। मत हो कि हमें एकदम ही गंवार समझ ले, जल्दी करो बेटा। हे दूध पीने वाले गणेश जी, हे सर्वशक्तिमान, अफसर नौजवान है, कुछ चक्कर चलवा दो ना। नादान लड़की, फिर से मुड़े कटवाएगी इनका। अरे मूर्ख, जो चीज हम पहले ही बाबा भोलेनाथ से मार चुके, ये लंबोदरा को पावर है कि तुमको गच देंगे। आज का दिन बहुत अच्छा मेला। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, आप हर आने जाने वालों से इतने तमीज से पेश आते हो। दूसरे शहरों में तो सरकारी अफसरों के बेहूदे व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह तो हमारा कर्तव्य है सर। और फिर आप जैसा बड़ा अफसर। बड़ा अफसर? हाँ, कौन सा बड़ा अफसर?
चिपका है विपरीतान। हम लोगों को सब पता चल गया। बड़ा अफसर, बड़ा अफसर। अब समझा इतनी खातिर का मतलब। भाई वाह, क्या खूब पहचाना आपने, क्या पैनी निगाह। आप लोगों ने दावत अच्छी दी। आप लोग क्या रोज ऐसा ही खाना खाते हैं? हाँ, बिल्कुल रोज। नहीं 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 हुजूर, हम तो ईमानदार आदमी हैं। भोजन हमेशा सीधा साधा, देश का भी तो सोचना पड़ता है। आज की दावत तो आप जैसे मेहमान के स्वागत। तंदूरी आइटम एक भी नहीं था, ड्रिंक्स का मजा फीका रह गया। ऐसा है महोदय कि तंदूर कांड के बाद वह सब गले के नीचे ही नहीं उतर। असुविधा के लिए माफी चाहते हैं। लाहौल बिलाकुवत भाई, कितना जालिम इंसान रहा होगा वो। इंसान? अरे हवान कहिए, हवान उस कमीने को। ये किसे कह रहे हैं आप? जानते हैं कितनी मंत्रियों का जिगरी रहा है वो। आप गलत समझ गए हुजूर, हम तो उस तंदूर लगाने वाले को कह रहे थे। कमबख्त को हड़बड़ी कहती है भाई। बिल्कुल, मामला उभरता ही नहीं। धीरे धीरे सभा के स्वाहा, कम से कम तंदूर की बदनामी तो नहीं होती। कैसा कहा? बात लूज टॉक करते हैं। और वो दावत वाली जगह आप ही की थी ना? जी हाँ श्रीमान, हमारा डिपार्टमेंट था, राम भरोसे सिविल हॉस्पिटल। काफी खाली खाली सा था, नहीं? मरीज आते भी हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस जाते हैं? कभी कभी ये मूर्ख देहाती प्राइवेट इलाज की जिद पकड़ लेते हैं श्रीमान, क्षमा किया जाए। ठीक है ऐसा है महोदय, हमारा समय तो शहर की तमाम जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता है। अपने से क्या क्या कहें, आपको तो पता ही होगा। अब इन नौकरों से छोटी मोटी भूल चूक हो जाना तो एक स्वाभाविक बात है। इनको जीवनदान दिया जाए, चाहे तो कुछ नकदी जुर्माना लगा। नहीं नहीं, ऐसे भी मेरा एटीट्यूड डैमेज करने का नहीं होता। लेकिन हाँ, कोई होशियार बने तो मुझे जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। अफसर हो तो ऐसा ऐसा। और मेयर साहब, काम के बाद टाइम कैसे पास होता है? आई मीन रमी, तीन पत्ती या फिर मुजरा? छी छी छी, हमको तो इन सब चीजों से घृणा है। समाज सेवा के बाद अगर समय बचा तो हम तो संध्या हवन, मंत्र तंत्र, अरे बस इन्हीं धार्मिक चीजों में समय गुजारते हैं। प्रभु उड़िए मत, परसों रात में ही 1000 जीते। क्या भाई ये? खैर साहब, ये तो अपने अपने सोचने का ढंग है। मैं तो अक्सर मुजरा देख लेता हूँ, इसमें बुराई क्या? बुराई कैसी, बल्कि यह तो स्वदेशी कल्चर की रक्षा का महान कार्य है। कृपा निधान, अगर इजाजत हो तो हम अपने परिवार के सदस्यों से परिचय करवा दें। यह है हमारी दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी? हाँ। यानी वाइफ नंबर टू? अरे भाई, आजकल तो कुछ नेताओं का फैशन ही बन गया, चुनाव जीते नहीं एक नई नवेली हासिल। वंश सुधार के लिए आवश्यक है। नहीं नहीं, हम उस लेवल के नेता नहीं है सरकार। पहली वाली सिधार गई थी, इसलिए मजबूरी में करना पड़ा था। आइए आइए, और जरा बोलना कम, मैं तो सबके सामने बेइज्जत करा दूंगी। इनका नाम है इमरती। अरे इमरती, भाई वाह, क्या स्वादिष्ट नाम है। और यह है हमारी बेटी बेबी। मेरा नाम रूपा है। आप दोनों से मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। हमने का सौभाग्य है, बिराजिए ना। इस एंगल से जो सुख आपको देखने में, वो बैठने में कहा। फिर भी आप कहती हैं तो चलिए बैठ जाता हूँ। सब अद्भुत है। सर एक लिया जाए। लिया जाए वहां तो इतनी पिलाई आप लोगों ने। एक और आप इतनी खामोश क्यों है? कुछ अपने बारे में बताइए ना प्लीज। अब क्या क्या बताऊं, गवर्नमेंट का एडवाइजर होने की वजह से पीएम तक को संगीन मसलों पर हमसे मशवरा लेना पड़ता है। उनका ऑटोग्राफ दिलवा दीजिएगा प्लीज। तो इसे लेना है तो इनसे ना मांगो। यू आर राइट, गवर्नर हो, एम्बेसडर हो,
या सेना अध्यक्ष, सबकी पोस्टिंग में मेरा एनओसी होना जरूरी है। ये सब तो संवैधानिक बात है, अब आपने संविधान तो खैर क्या पढ़ा हो? हमने पढ़ा है श्रीमान, 100 बार पढ़ा है हुजूर। आपकी तारीफ पर तो पूरा चैप्टर अभी नया नया संशोधन हुआ है, मरने के बाद सारी पुरानी स्टैच्यूज हटाकर मेरी मूर्तियां लगा। क्या बात है, क्या जीते जी लगनी चाहिए सर, गांधी अम्बेडकर कंट्रोवर्सी भी दूर हो जाएगी। हाँ ये भी सही है, गुड पॉइंट गुड पॉइंट। बट अभी कितना कुछ है मेरे नाम से, ऊपर से मेरे बाप मेरे पीछे पड़े रहते हैं। कहाँ फटे पहने की सरकार चलाने में लगे हो कुमार, अपना राज संभालो। पर यू नो मेरा नेचर ही अलग सा, इज्जत के आगे रुपए पैसे नहीं लगाता। कहने को तो करोड़ों का बैंक बैलेंस है, 50 कारखाने हैं, दर्जनों तो गाड़ियां हैं, और हाँ अपना हवाई जहाज अपना जी। हाँ जनाब, पर्सनल जेट प्लेन। हमरे मेयर साहब के पास भी एक तो जापानी ट्रेन है, जापानी ट्रेन बैटरी वाली हुजूर। चुपचाप रहिए, ना तो मुंह में गोइठा ठोक पाएंगे। हॉल मिला कुवत हुजूर, रिकॉर्ड के लिए खेद है, आगे सुनाया जाए। दादी कलाकार बाल रखे हैं आप। वैसे कला और संगीत के क्षेत्र में भी एक अलग ही पहचान रखता हूँ मैं, फिल्मी जगत में पूरा दबदबा है। स्मगलिंग का केस हो या इनकम टैक्स का, मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे। सर हमारी भी बेटी को बहुत शौक है फिल्मों में हीरोइन बनने का, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो। नो प्रॉब्लम सुभाष से कह दूंगा, ऐसा करिएगा सर दिल्ली भेज दीजिएगा मेरे पास। भाई गई सुभाष भाई, हो सके तो अपने साथ ही ले जाइएगा सर। चलचित्रों में अभिनय की इच्छा तो हमारी अर्धांगिनी की भी है। अर्धांगिनी नहीं चलेगा, बहन या साली हो तो बताइए। पहले जमा हमें फाइनल करने दीजिए, तो साथ ही टिकट कटा दूं, ट्रेन में ट्रेन का टिकट भी किया का घटिया। और रिस्की सवारियों में चढ़ने की हमारे इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है क्या करें, नेशनल पॉलिसी है। अरे आप तो इमोशनल हो गए, चिंता छोड़िए, ऐसा करता हूँ दिल्ली पहुंच के खबर करूंगा। अब मेरे कनेक्शन कहाँ गए हैं, देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी चिंतक लेखक सबसे आप तो स्वयं इतने अच्छे लेखक हैं। अब इतनी सेंसिटिव पोस्ट में होने की वजह से खुद के नाम से तो नहीं लिख पाता हूँ, दूसरा नाम श्री शोभा डे खुशवंत सिंह। हुजूर हमेशा जनानी नामों से क्यों छपते हैं? सुन लीजिए, का तो शोभा डे इनको जनाना नाम लगता है। अरे बेवकूफ, कमेंट देने से पहले थोड़ा पढ़ा भी करो, जनक को लूट नहीं। आपकी ऊंचाई के झलक मार्ग से चक्कर आने लगे श्रीमान। चापलों से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कह रहा था मैं, चापलूस मेहमान रिश्वत खोर और चिलखुट टाइप लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनके दो मैं सीधे बढ़िया कर देता हूँ। पीएम तक से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में हंसी मजाक चलता है हमारा, मेरा असली रूप तुमने देखा नहीं है। सर जी आप आराम करना चाहते हैं? हुजूर कमरा तैयार है। कमरा तैयार, तुम सोओगे हमारे साथ? भाई वो मोटे हो, बयान नहीं मिला लग रहा है क्यों? सीधे चलो सीधे। Bye-bye, Narkali. Good night, Kashmiri Kali. Hujur, Surati.
कितना संस्कार वाला है। देखी कैसे सारा टाइम टकटकी बांध के हमको ताक रहा था। जुल्मी अनारकली भी बोला, नहीं मम्मी वह तो मेरी तरफ देख रहा था, मुझे भी तो कश्मीरी कली कहा उसने। फिर वही बात, कश्मीरी कली से अनारकली को कौनो मुकाबला है? बिल्कुल है। चुप रह, मुझे अलीक भगवान अंधर होगा, जरा धीरे बोलो, देखती नहीं अफसर जी सो रहे हैं। देखिए जी चार अक्षर पढ़ का ली है, अब खूबसूरती में भी मुकाबला करती है। आप ही बताइए तो, अफसर इसको देख रहा था कि हमको? तुमको देख रहा था? राम राम, एक ब्याहता नारी का यही धर्म है कि अपने स्वामी को छोड़कर परपुरुष की बातें करे। तुम्हारा यह रंग ढंग देखकर तो जहर खा लेने का मन करता है। तो रोकता कौन है? पवित्रता ही स्त्री का धर्म होता है बेबी की माँ, पतिव्रता स्त्री का धर्म। आए मत्ते, क्या करे? अरे तुमको बुला रहा है, अरे भगवान देख कर रही हो, जाओ जल्दी जाओ जाओ, तब तक हम पूजा स्थान से निपट कर आते हैं, जाओ। देखा आपने संकटा बाबू और स्कूल इंस्पेक्टर की चालबाजी को, हमको मिसगाइड करके अस्पताल से मरीजों को हटवा दिया, कल तो भारी फेरा में पड़ जाते। साले खाली कास्ट जमे लगे रहते हैं, हमें लगता है आपको हटवाकर अपनी जात का आदमी लाना चाहते हैं। ओ तो ये मैटर है, हम भी अगर असल के हैं तो आज ही दिखा देंगे। ये क्या देखने दिखाने की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब? अरे बिल्कुल नहीं, कुछ भी तो नहीं, बल्कि हम तो ये कह रहे थे कि कल सबसे डिग्निफाइड बिहेवियर आपका ही दिखा। देखिए बुरा मत मानिएगा प्लीज। इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई? हाँ हाँ, अभी हमें आपस की छोटी मोटी बातें ओवरलुक करनी चाहिए संकटा बाबू, प्लीज। तो यह आपके मन का चोर बोल रहा है, कहीं आप दोनों हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी में तो? भाई व्यर्थ की बकवास में समय ना गवाए बहुत है, और आगे की परियोजना पर विचार करें। यह अधिकारी अत्यधिक चतुर है और इससे निपटने का मार्ग खोजना अत्यावश्यक। हमारे विचार से खतरनाक अफसरों से कैसे निपटा जाए विषय पर हमें एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी चाहिए, फिर एक कमेटी का गठन और 2-3 सब कमेटी, उसके बाद किसी उम्दा जगह पर एक सेमिनार की तैयारी। कलकत्ता का ग्रैंड होटल कैसा रहेगा? मूर्खों की तरह बात मत कीजिए, यह कोई सूखा बाढ़ या प्लेग जैसी समस्या नहीं है जिस पर यह सब किया जाए। यह प्रॉब्लम नंगी तलवार सा लटक रहा है, तुरंत उपाय सोचकर अमल करना होगा। अच्छा तो आप लोग भी पहुंच गए, क्या जरूरत था? हर ऑफिशियल काम में नाक घुसाते चलते हैं। और शौक नहीं है हमें नाक घुसाने का। हाँ। चिड़िए मत। लगता है बेचारों को बता दिया जाए क्यों लौटा प्रसाद जी। हम भी यह सोच रहे थे बेचारे। ये क्या ड्रामा बतिया रहे हैं आप दोनों? तो सुनिए, आप लोग यहाँ उपाय ही खोज रहे हैं, हुआ मेयर साहब को चढ़ावा चढ़ा भी चुके। क्या जी साहेबा, वो भी पूरे 2000। 100-100 के कुरकुरे नोट थे, ताजे बिस्कुट की तरह। तो अभी कहे कि अफसरवा तड़ से इस घर में कैसे चला आया? अरे साहब हमें आवाज तक नहीं होने दिया। ये तो सरासर गद्दारी है। अरे गज्जू बाबू से और क्या उम्मीद रखते हैं? खैर अब तो हम लोग आराम से चलकर एक मोटी थैली प्रेजेंट करें और कम से कम एक एक दिन अपने अपने घरों पर टिकने का दबाव डालें, कैसा रहेगा? ये सब काबिले दिखाइएगा ना, तो आपसे जी सीधा बोडोलैंड का टिकट काटते हैं। देखिए काम बहुत रिस्की है, कुछ अफसर सबसे पैसा नहीं लेते, एक आध मोटे आसामी को फांसे रहते हैं और बाकी दुनिया के सामने ईमानदारी का ढोंग रचते हैं। ससुरा हर बात में टेढ़ा है, अष्टावक्र कहीं का। सुनिए अभी के सिचुएशन में बेहतर यही रहेगा कि सब लोग एक एक कर अंदर जाएं और अपने अपने तरीके से जो बने वैसा करें। हमारे विचार से संकटा बाबू शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले आप ही जाइए सिविल सर्जन साहब, हाकिम आपके यहाँ दावत खा चुके हैं, आपसे जल्दी खुलेंगे। आप जाइए, हमको तो पल्पिटेशन रहता है, हम पहले कैसे जा सकते? क्यों ना स्कूल इंस्पेक्टर शुरुआत करें।
ऐसा है श्रीमान, मैं भी इन दिनों डायरिया से पीड़ित रहता हूं। तब तो आप रहने दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया तो सब चौपट। आप सबसे सीनियर हैं संकटा बाबू, संकट दूर कीजिए। अच्छा शांत रहिए, जरा सोचने दीजिए। चलिए जल्दी। नहीं आई, बड़ी बेरहम है यही मरती। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। आइए आइए। मैं संकटा प्रसाद, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। और कैसा चल रहा है? अब पिछले कई सालों से मजिस्ट्रेट हूँ सर, और आपकी बताई गाइडलाइन पर खूब मेहनत और ईमानदारी से फैसला सुनाता हूँ। मगर मैंने तो कुछ और ही सुना है आपके बारे में। यही ना सर, कि हम जमकर रिश्वत लेते हैं और हमें कानून का ABCD भी नहीं आता। पर ये तो सिस्टम का दोष है सर, हम अकेले कर ही कर सकते हैं। आपकी बातों में काफी दम है, मतलब इस रिसर्च के लिए तो डॉक्टरेट मिलनी चाहिए आपको। ठहरिए, वाइस चांसलर से कहकर कोई चक्कर चलाता हूं। वो हरा हरा क्या दिख रहा है आपकी जेब से? गुरु दक्षिणा है सर। तो आप ये मेरे लिए लाए? सर गलत न समझिएगा, यह निहायत छोटी सी भेंट है। दिस इज अ टोकन ऑफ माय रिस्पेक्ट सर। देखिए, और किसी से मैं लेता भी नहीं, अगर आप इतने रिस्पेक्ट से दे रहे हैं तो चलेगा। थैंक यू सर। पूरे 2000 है। समझ में नहीं आ रहा, बदले में आपको क्या दूं? आप जुल्म न कीजिए सर, मेरे लिए कोई आदेश हो तो। नहीं नहीं, सब ठीक चल रहा है। यू कैरी ऑन। थैंक यू। छोटे शहरों में बड़ी अच्छी कमाई है, सलामी में 2000 दे गया। हुजूर, मैं बेरंगी लाल शहर का पोस्ट मास्टर हूँ और आपके दर्शन के लिए आया हूँ। बेरंगी लाल जी, इस शहर में कब से हैं? 4 वर्षों से सरकार। कमाल है, 4 वर्षों से एक ही शहर में। अब तक तो मकान मकान ही बना लिया होगा, क्यों? जी हुजूर। नहीं हुजूर, हम बहुत ईमानदार आदमी है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, पर आप काफी घबराए हुए लग रहे हैं। जी जी, बात ऐसी है सर, पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपए का गुमनाम मनी ऑर्डर आया है। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, कहीं हुजूर का तो नहीं है? हो सकता है, पर कहीं आप मुझे चालाकी से रिश्वत तो नहीं दे? ऐसा कभी हो सकता है हुजूर, आप तो आदमी पहचानते हैं सरकार। तो फिर लाइए। तो इसकी रसीद भी देनी होगी आपको? जीते जी नरक में मत ढके लिए सर, आप आज्ञा चलेंगे। हमने आज्ञा दी। कमें कमें जी, मैं विद्यालय निरीक्षक, स्कूल इंस्पेक्टर। काफी रसिक इंसान मालूम होते हैं आप, आपने तो संकट में डाल दिया है। क्या उत्तर दूं? आपका प्रश्न बड़ा टेढ़ा है श्रीमान। मेरा मतलब है, जमकर माल फांसते होंगे आप, गोरी टीचरों को तो चुन चुन कर। क्यों जी, इस बारे में मैं बनिया मान, मुझे सब खबर है। मसलन मिस मिस जूली, आपको सब याद हो चुका है। क्षमा करें श्रीमान। मिस जूली, काफी हसीन नाम है, हमसे कम मिलवा रहे हैं। खैर छोड़िए, आपसे एक जरूरी बात करूंगी। लगता है श्रीमान का रुपए गिर गए हैं। पूरे 2000। 2000? आदमी समझदार लगते हैं, मतलब मैं तो कहने ही वाला था कि तुम आज्ञा हो। बिल्कुल शौक से। आपका परिचय? ऐसा ना कहें हुजूर, भाई सा लगता है आपने कल हमारे ही घर पर जूठन गिराई थी। हमारी वाइफ ने अपने कोमल को बिल्कुल याद आ गया, याद आ गया, वो चोली कट ब्लाउज। खैर छोड़िए, कंपैरेटिवली आप ईमानदार आदमी लगते हैं, मतलब बाकी लोग तो मामला काफी टेढ़ा है। ठीक फरमाया हुजूर, एक तरफ मैजिस्ट्रेट, स्कूल इंस्पेक्टर, पोस्टमास्टर, सबसे बढ़कर तो मेयर साहब, हर मामले में करप्ट है हुजूर, जरा सावधान रहिएगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। हुजूर का आदेश हो तो सबके जन्मपत्री दिखवा सकता हूं। यू मस्ट। डॉक्टर साहब जरा देखिए, मेरी हथेलियों में खुजली क्यों हो रही?
अरे ये तो एलर्जी है। इसका तो बस एक ही इलाज है। क्या? इसमें पुराने कागजों का स्पर्श बहुत लाभ पहुंचाता है। ये ट्राई कीजिए ना सर, इसे मुट्ठियों में कसकर पकड़ रहे। थैंक यू ये तो नोट निकले। तो ये उधार रहा मुझ पर। नहीं 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 नहीं, ये तो दवाई है। पीएस फिजिशियन सैंपल सर। आपके इस्तेमाल का है। अब इजाजत दीजिए, चल दिल्ली में मिलिए, जमकर बात करेंगे। एज यू विश सर। हम ये भी एक मिनट का वक्त है हुजूर। आप लोग कौन हैं? जी मैं किलमची खान। मैं लोटा प्रसाद श्रीमान। सफाई पसंद इंसान लगते हैं, मिलकर काफी खुशी हुई। धन्यवाद। 1,000 रुपए होंगे। कैसे कैसे रुपए? मोदी खाई के। माँ कसम हम तो लाना ही भूल गए। मियाँ चिलमची अब आप ही रसम निभाइए। आज तो बाजी मार लगे आप। क्या आंसंट पक रहे हो मियाँ? इतने ही पैसे होते हुजूर तो बम्बई जाके फिल्मों में किस्मत ना आजमाते कि ये सरियल सी नोटंकी करते। ठीक है ठीक है, कम से काम चल जाएगा। हुजूर मेरे पास तो बस एक 50 का नोट है। मेरे पास भी बस एक वैसा ही नोट है। घबराइए मत, काफी है। अब आप लोग जाना चाहें तो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मियाँ चलूंगी, आप बढ़िए। नहीं मैं आपके साथ ही चलूंगा। जाते हैं कि नहीं? नहीं मियाँ, साथ आए हैं, साथ ही जाएंगे। दामचीनी मियाँ। चिलमची हुजूर अब आप आगे बढ़े, इधर नहीं उधर। हम बढ़ जाए ये नहीं कि हम उधर बढ़ जाए। जो हुकुम हुजूर, व्हाट इज दिस? हर बार हमें ना क्या दिया जाता? कहिए नेटा प्रसाद जी। लोटा लोटा प्रसाद, लोटा लोटा जी। मैं तो बस आपसे इतना निवेदन करना चाहता था कि जब आप दिल्ली जाएं तो वहां सब लोगों से बता दें कि शहर में भी एक बहुत ही शरीफ आदमी रहता है। जरूर जरूर, सोनिया जी को भी बता दूंगा दोनों के बारे में। दोनों के बारे में? मैं चिलमची की शिकायत नहीं कर रहा हुजूर, पर आप ही सोचिए, बाप दादा मुर्ग बेच रहा थे, झूठ मूठ में रईसी का ढोंग रचता है, दिल्ली में उसकी चर्चा करना क्या उचित रहेगा? समझ गया समझ गया। आप बेफिक्र रहिए। वैसे दिलवाने को तो मैं आपको पद्म भूषण भी दिलवा सकता हूँ। पद्म भूषण? आपने पद्म भूषण कहा श्रीमान? बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन सब आप पर डिपेंड करता है। देखिए ना, हम भी गजब के पगलेट हैं। 500 का नोट तो टोपिए में रह गया था। आप धन्यवाद दे के शर्मिंदा न करें हुजूर। अच्छा तो बढ़ते हैं। निकल जय राम जी की। 550 में पद्म भूषण भाई ठीक ही सुना था। सचमुच ये तो स्वर्ग है। अपने दोस्तों को लिख भेजता हूँ, हंसते हंसते लूटपोट हो जाएंगे। पहले जरा हिसाब लगा लो। ये चूहा मेरे ऊपर कूद गया था। अरे ये तो मिकी माउस है। सॉरी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, बल्कि मैं तो लगातार आपके बारे में ही सोच रहा था। मैं अपनी पुस्तक ढूंढने आई थी। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। हालांकि आपकी खामोश खूबसूरती में भी गजब का संगीत लहराता है, फिर भी आप इतनी चुप क्यों रहती हैं? कितने स्टाइल से बोलते हैं, इतने बड़े कवि जो ठहरे। अपनी कोई कविता सुनाइए ना प्लीज। कविता? ओ कविता तो विरह वेदना का संगीत होती है, और जहां हम और आप दोनों इतने पास पास, तो उसकी क्या जरूरत है बेबी? मैं कुछ समझी नहीं। पहले तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था बेबी, पर शायद शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया, बेइंतहा प्यार। जी करता है तुम्हारे गालों के प्यारे प्यारे गड्ढों में घर बना के रहने लगूं। देखिए मैं छोटे से शहर की भोली भाली लड़की हूँ,
इतनी मीठी बातों में तो झट से फंस जाऊंगी, इसलिए यह सब धीरे धीरे कहिए ना। धीरे धीरे का वक्त नहीं है मेरी धड़कन, दो पल के लिए ही अपना लो, बस मुझे अपना बना लो जाने में, प्लीज बेबी मेरी डार्लिंग। आप मैं उठिए ना, ये सब क्या चल रहा है बेबी? मम्मी मैं भीतर जाओ और जाकर पहाड़ा याद करो। प्रेम की आग में जल रहा हूँ और मत तरसाइए। उठिए ना, आप तो ठिठोली करते हैं। प्यासे पर तरस खाइए। कौन सी ठहरे ठहरे पहरेदारी कर रही हो? कभी अकेला ही नहीं छोड़ती है। आपके मत भरे अधरों की मामूली हरकत से तूफान थम जाएगा। ओ मम्मी तुम समझ नहीं रही हो, अपना समझदार हो अपना पास रखो। कोची तो कह रहे थे ना, मेरी आरज़ू को मत ठुकराइए, बस हाँ कह दीजिए। अब और मत छटपटाइए, देखा नहीं जाता। तो फिर मैं इसे आपके हाँ समझूं? हाँ। तो फिर हमें आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, बस आपकी दया दृष्टि मिलती रहे। इस अमला का उद्धार कीजिए भगवान, इस अमला का उद्धार कीजिए। क्या 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 हो गया भाई? हुजूर हमारे खिलाफ जो शिकायत मिला है हुजूर, वो एकदम बेबुनियाद है हुजूर। हमको प्लानिंग करके फंसाया जा रहा है हुजूर। क्या हो गया इनको? हमसे किराया ले लीजिए हुजूर, जो किसी बिजनेसमैन से कोई चीज मुफ्त में लिए हो, चाहे धमकाए हो। का अंड बंड बक रहे हैं जी। सुनिए हम आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं। देखो तुम बीच में मत टोको। ओहो सुन तो लो, तुम्हारा तो हार्ट अटैक फेल कर जाएगा। अरे मेहमान जी बेबी का हाथ मांगना चाहते हैं और हमको भी साथ रखेंगे दिल्ली में। तुमको भी साथ रखेंगे? अरे मूर्ख कभी तो अकल से बात किया करो, जाहिल गवार पीछे जाओ। हुजूर इसकी बात का बुरा मत मानिए हुजूर, इसको तो मजाको करने का लूर ही नहीं। नहीं ये बात सच है, मुझे दामाद मानने में कोई आपत्ति है आपको? नहीं नहीं साफ बताइए। यह तो हमारा सौभाग्य होगा। नहीं नहीं आप जरूर जस्ट मजाक कर रहे हैं। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा? जोकर नजर आता हूं आपको मैं? तो क्या करें, अकेले काम नहीं कर रहा। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। ओह अफसर जी के बहाने पूरी दिल्ली लौट रही है हमारे पैरों पर। अरे भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। फिर भी हम कसम खाकर कहते हैं हुजूर, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। अच्छा ठीक है, जरा जहानाबाद का भी इंस्पेक्शन करना है मुझे, मैं अगले मंडे तक लौट के आता हूँ। तो फिर सगाई का डेट अगले मंडे को ही रखते हैं। बिल्कुल यूं समझिए पलक झपकते हाजिर रहूंगा। और एक गुजारिश है, राह खर्चे के लिए कुछ रख लीजिए। नहीं नहीं या फिर जैसा आप लोग ठीक समझे, अब मेरी थोड़ी ना चलेगी। बिल्कुल कोई ना नकुल नहीं चलेगा मेहमान जी, अब तो आप पर अधिकार ना हो गया हमारा अधिकार। पूरे 5,000 है, कुरकुरे नोट है, ट्रेजरी के ना है। सुलित कर गया। कोई बात नहीं, यू समझिए मैंने सुना ही नहीं। दामाद मिले तो ऐसा। अच्छा अभी इजाजत चाहूं, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरती मेरा मतलब है मम्मी। चलता हूँ डालिंग, अभी से तुम्हारी याद तक पा रही है। तनी जल्दी आइएगा, जहानाबाद में सावधानी बरतिएगा। ये भाग्य भी साला क्या गजब का चीज है, नहीं बेबी की माई कैसा हुमच कर पलटा मारता है। ये तो हम पहले ही पूछ गए थे, बाकी हम काहे देते हैं, हम भी उसी के साथ रहेंगे दिल्ली में। हाँ ठीक है पर हमको तो अभी तक विश्वास ही नहीं होता है। सब होगा भी कैसे, शुरू से छोटे छोटे आदमी के साथ उठते बैठते तुम्हारा संस्कार बिगड़ गया है। बहन चट से पिन मारकर पचका देती हो। खैर पहले इन व्यापारियों से सुलट ले, हमारी शिकायत करने निकले थे हरामजादे, एक एक को उल्टा लटकवाकर सटका से नहीं पिटवाया तो कहिएगा। है
वैसे रंग ढंग में बेबी से जरा दब है, उम्र भी ज्यादा लगती है। क्यों बेटी के मुंह में तुम्हारी आंख पे पर्दा पड़ गया है, अब इससे बढ़िया दामाद कहाँ मिलेगा जी। ठीक बोली, ठीक बोली। अरे कोई है रे? अरे जो जो कंप्लेन लेकर आए थे उन सबको धरकर लेते आओ, जरा सामे कपार बुद मुतने चले थे। और ऐसा करो शहर भर में अलाउंस करवाओ कि हमारी बेटी का रिश्ता अफसर जी के साथ तय हो गया है, और ये भी कि मेहमान जी के जैसा अब हमारा भी पीएम तक डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। साले को बहुत हंसी मजाक चलता है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में। है जी, ये मेयर का पोस्ट कुछ घटिया टाइप सा नहीं लगने लगा है? ऐसा वैसा समझियाना में मारे लाज के माथा नहीं उठेगा। आप इतनी छोटी पोस्ट पे रहेगा पापा तो ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी प्रेस्टीज का भी तो ख्याल कीजिए। अरे दमदा का तो प्राइम मिनिस्टर तक से फ्रेंडशिप है, और ये सोचना तो भाई उनका काम है, हो सकता है एम्बेसिडर बना दे। मारुति का जमाना में एम्बेसिडर? अरे एम्बेसिडर माने राजदूत। का तो एम्बेसिडर माने राजदूत? अरे फटफटिया लेना है तो हीरो होंडा लीजिए जी। अरे फटफटिया नहीं बेबी की माँ, राजदूत एको बहुत बड़ा पोस्ट होता है। पूछ गए अंकल जी जैसा। हाँ अबरी बराबर पकड़ी। कहीं ऐसा हो गया हमको राजदूत बना दिया तो काम मौज रहेगा, फिर से अमेरिका, फिर से इंग्लैंड, कभी जापान, कभी सिंगापुर, बेनजीर के साथ ब्रेकफास्ट, फिर हिलरी के साथ डिनर, और फिर तड़ तड़ से लेकर स्विस अकाउंट ऑफर सिग्नेचर। वाह भाई वाह। अरे मेयर तेर तो साले हमरे आगे चपरासी लगेंगे। तो आओ का। और एक बार राजदूत बन गए तो पीएम बनने तक कितना समय लगेगा? कुछ तो चक्कर चाली कर ही देंगे। जरा सोचो बेबी की माँ। हाँ। ऐसा हो गया। हाँ। तो का मौज रहेगा, हम गजिंदर बाबू यहाँ सोफा पर आराम फरमा रहे हैं। वाह वो टुनी टुनी प्लेयर, वाह चाह बना रहा है वो थैचर, पंखा हाथ रही है। अब हमने मन को बस यही सब ललचा देता है बेबी की माँ। वहां तक पहुंचना है ना तो स्टाइल बदलो। पहले वो सब जोक चमोकन से अपना पिंड छुड़ाओ। कौन से जोक? अरे वो है तुम्हारा संकटा प्रसाद, वो दो टकिया सिविल सर्जनवा, हकलू इंस्पेक्टर और लंगड़े पर्स मास्टर, ये सब लोग पे जल्दी ही नून रगड़ दो। कैसा बात करती हो, वो सब लोग तो वफादार हैं। तो साथे रहो हमको का है? अरे वफादार चाहिए तो हमरे भाई को रख लो। नहीं मामा जी का चाल चलन ठीक नहीं है पापा, झूलन की औरत तक से पैसे ठगते हैं। तो प्लीज लड़की होश में रहकर बात कर, होश में। धमकाओ मत मम्मी, ये सब मेरी शादी की वजह से ही हो रहा है, समझी? हाय हाय, अरे हम तरस खाकर छोड़ दिए, नहीं तो किससे ब्याह होगा? खड़े खड़े कलेजा पर छुड़ी कौची चला रही है, मुंह छोसी कहेगी। ये हमने क्या सुना? अरे ये तो अद्भुत समाचार है, हार्दिक बधाई। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान, ठीक ही सुना आपने, सब कुछ सेटल हो गया है। आपको भी बधाई और बेटी तुम्हें भी। ठीक है ठीक है। अरे संकटा बाबू आप इतने सीरियस क्यों हैं? चोरों का भी ईमान होता है, और इसमें ऐसा क्या मतलब कि हमेशा अच्छी चीज पर आप ही हाथ साफ कर लीजिएगा? अरे हम लोगों के घरों में बेटियां नहीं है क्या? गुस्सा थूक भी दीजिए संकटा बाबू। देखिए हम मेहमान से कहकर सबसे पहले आप ही की लड़की के लिए एक इसी तरह का लड़का ठीक करेंगे, बस
पहले वादा कीजिए। प्रॉमिस रहा भाई, प्रॉमिस। तब तो हमारी भी बधाई हो। बिस्मिल्लाह, क्या खबर सुनिए मेयर साहब? महापौर महोदय को बधाई। गोबर सिंह से क्या खबर है भाई? जरा विस्तार से बताइए, यह सब कैसे हुआ श्रीमान? अफसर जी ने खुद हमसे बेबी का हाथ मांगा। जाते वक्त डार्लिंग भी बोले। नहीं मम्मी, वह तो उन्होंने मेरे लिए कहा था। बेशरम, हम का झूठ बोल रहे हैं। खैर महापौर महोदय, यह सब तो प्रारब्ध का खेल है और आप ठहरे किस्मत के साथ। किस्मत उस्मत नहीं श्रीमान जी, ये सब तो हुजूर की काबिलियत का पुरस्कार है। थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई संकड़ा बाबू, तीन पत्ती तो बहुत खेल लिए, अब आप हमको ब्रिज खेलना सिखा दीजिए और अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस भी करवा दीजिए। आपके केस में जरा डिफिकल्ट है पर कोशिश करेंगे, लेकिन ये अचानक। अरे मान लीजिए क्लिंटन वा जीत दिया जाए कि ड्रिंक्स के पहले एक हाथ खेलना ही पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे? और मान लीजिए महारानी इलिजाबेथ ललकार दे कि मामा जी एक पूड़ी और, तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना। इसीलिए अंग्रेजी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मच नीडिंग राइट की रॉन्ग इमा की डार्लिंग। देखिए भाई, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विलायत में पूरी पूरी नहीं खाई जाती, दूसरे वहां के तौर तरीके बिल्कुल अलग है। का तो पूरी उड़ी नहीं खाया जाता है? आप तो खुद तड़तड़ा कर अंग्रेजी बोल रहे हैं। संकटा बाबू को जी सिखाएंगे, झूठों का एहसान लगाए भाई। नाटक का ये पार्ट कुछ समझ में नहीं आया, जरा विस्तार से बताइए। खुल के बताइए दोस्तों। हो सकता है बहुत जल्दी आप लोगों का साथ छोड़कर कहीं दूर जाना पड़े। चांस है कहीं ऊंचा सा राजदूत का पोस्ट इंग्लैंड या अमेरिका में। जरा सुनिए जी, खाली खाली बकर बकर करते रहिएगा, एक मिनट भीतर चलिए तो। क्या सपना है ये? सच भी हो सकता है संकटा बाबू, चापलूसी का जमाना है, कुछ भी संभव है। सत्यानाश हो साले का, इनको तो हमारी आग जलाकर भस्म कर देगी। जांच अधिकारी की मति मारी गई थी जो इस बंडमरू का रिश्ता जोड़ बैठे। देखिएगा अब इस जरा से लोभ के लिए ये खट से पार्टी बदल लेंगे, कोई चरित्र नहीं रह गया है पॉलिटिशियंस का। हुजूर, एम्बेसडर बनकर भूल मत जाइएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? राजदूत की इतनी ऊंची पदवी पाके सबसे पहला कार्यक्रम कहाँ रहेगा महामहिम? सबसे पहला कार्यक्रम मुचिंदर लाल और मुन्नी भाई का हो सुनाना। कमीनों से 5,000 न उतरवा लिया तो कहना। हम तो अपने फ्यूचर के बारे में पूछ रहे थे। महामहिम राजदूत महोदय, करबत निवेदन है कि राजभाषा के प्रचार प्रसार हेतु हमें भी विलायत बुलवा ले। हमें कोई एतराज नहीं है, हमसे जो बन पाएगा वो करेंगे। जरा तो अक्ल से बात कीजिए जी, अभी तो भीतर ले जाकर इतना समझाए। ये सब आलतू फालतू आदमी से ज्यादा वादा उदा मत कीजिए, विलायत में ये सब छोट मोट काम याद भी रहेगा। मैडम जी ने कितनी फ्रैंकली कहा है, एकदम प्रैक्टिकल बात है भाई। तबाह हो गए मेयर साहब, बर्बाद हो गए। बैरंगी लाल जी, ये बैरंग पत्र की तरह क्यों नाच रहे हैं? सब कुछ लुट गया हुजूर। हुजूर नहीं, इज एक्सीलेंसी कहिए। क्या हो गया? हम कैरम खेल रहे थे हिज एक्सीलेंसी, तभी गोबर सिंह चिट्ठी लेकर आया, बोला पड़ताली अफसर का है, इसे फौरन भेजिए। तब चिट्ठी देखकर घबरा गए, दिमाग में आया हो ना हो अधिकारी यहाँ की रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो हमने चिट्ठी खोल डाली। अरे मूर्ख, पगला गए हो का? लेकिन आपने ही तो कहा था। अरे मूर्ख, ये भी बोला गया कि अफसर जी अब हमारे मेहमान बनने वाले हैं। जरा सुना जाए, पढ़कर मालूम हुआ कि वो अफसर जी तो का अफसर का चपड़ासी जी भी नहीं था। अरे ये क्या हो गया? अरे पढ़ो पढ़ो चिट्ठी पढ़ो। हाँ बाबा, हाँ चिट्ठी पढ़ो। सुनिए आप, चिट्ठी पढ़ते हैं। डियर कालिया, मस्त होगे, तुम तो जानते ही हो कि दिल्ली में जिस छोकरी से अपना चक्कर चल रहा था वह साली किसी बड़े पुलिस अफसर की भतीजी निकली, मामला हाथ से निकल गया था,
इसलिए मुझे भागना पड़ा। रास्ते में दो दिन बनारस रुका। हाय क्या कटीली अदा थी, पर एक नंबर की ठग। सारे पैसे छटक लिए। नाम था मुन्नी भाई। मुन्नी भाई क्या बकते हो? जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं महामहिम। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे सुनिए। आगे लिखा है कि वहां से चला तो इस छोटे से शहर में आके टिका। पैसे पहले ही उड़ चुके थे, होटल वाले भी जेल भेजने की तैयारी में थे कि अचानक तकदीर ने पलटा खाया। मेरा ताम झाम और लटके झटके देखकर लोगों को मेरे बारे में गलत फहमी हो गई और मूर्खों ने मुझे दिल्ली से आया कोई बड़ा अफसर समझ लिया। इसलिए अब मेयर के यहाँ ठाट से रह रहा हूँ। बाकी अफसर भी खुशामद में लगे रहते हैं। बाकी समय मेयर की छोकरी से इश्क लड़ाने में कटता है या उसकी दूसरी बीवी इमरती से। भाई क्या खूब कुरकुरी है यार। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे मैं तुम्हें इन सभी जानवरों से एक एक करके परिचित कराता हूँ। पहले मिलो मेयर साहब से। चोरों का सरदार, कद से भैंसा, दिमाग से कटहल, अपने स्कूल वाले पीटी टीचर की तरह करिएगा लंदई। ये सब नहीं लिखा है, अपने पढ़ लिया जाए ही एक्सीलेंस। कद से भैंसा, दिमाग से कटहल, आठ ही पढ़ी। हाँ तो कद से भैंसा, दिमाग से कटहल। अरे आप यही पर कटहल का अचार डालिएगा कि आगे आगे भी बढ़िएगा। इडियट। एक पोस्ट मास्टर है, हमारे बारे में भी कुछ लिखा है। आगे पढ़ते हैं। ज्यादा उस्तादी मत दिखाइए, एक एक शब्द पढ़ना होगा। एक एक पोस्ट मास्टर है, अब रहने भी दीजिए। एक पोस्ट मास्टर है जो एक नंबर का फ्रॉड है और वो बिलाव की तरह लचक चाहता है, और जो यहाँ का सिविल सर्जन है। पढ़िए पढ़िए, चुप क्यों हो गए, मुंह में बवासीर हो गया क्या? धुंधला धुंधला लिखा है, सब जना नहीं रहा। कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं, हमारी तो चार चार आते हैं। और जो यहाँ का सिविल सर्जन है, ब्लड ग्रुप से सी क्लास या और पैदाइशी 400 क्लास, पर मुझसे बुरी तरह घबराया रहता है। हमारे बारे में कोई कमेंट नहीं है। हाँ, हाँ एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है, छछुंदर सी शक्ल और हकलाता है। ऊपर से गलत फहमी ये कि गोरी शिक्षिका इन पर करती है। यह मैंने कब कहा था? और आगे एक और नमूने से मिलो, यहाँ का मैजिस्ट्रेट नाम है संकटा प्रसाद। अब हमारे हिसाब से सब मैटर तो समझ में आ ही गया है, अब आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। एक एक शब्द पढ़ना होगा। मैं पढ़ता हूँ। कहाँ था? हाँ तो यहाँ का मैजिस्ट्रेट नाम है संकटा प्रसाद, पक्का घूसखोर, और पता नहीं क्यों बदन से पेशाब की बू आती है और आंखें ऐसी चढ़ी रहती हैं जैसे दिन रात शराब में गोते लगाता है। आगे और फिर इन सब नमूनों ने हजारों रुपए भी दिए और वह खातिर की कि मत पूछो। सोचता हूँ आज किसी बहाने से सरक जाऊं, कहीं भेद खुल गया तो श्यामत आ जाएगी और तो तुम्हारा। खामोश! हम तो बेदाग बच गए भैया, आदमी तो ना बुरा नहीं ना। यदि तो हो सकता है कि चिट्ठी कोड भाषा में हो, हम खा गलत अर्थ लगा रहे हैं। चिट्ठी कोड भाषा में जाना रहा है, चिट्ठी कोड भाषा में बच जाना रहा है। आए भाई मेयर साहब, सच पूछिए तो हमें कोई अफसोस नहीं। ऐसे बदमाश से बिटिया की शादी कट गई, सब ठीक ही हुआ। अरे हुजूर,
ऐसे हजारों लड़के लाइन में पीछे रहेंगे, बस आप एम्बेसडर बने नहीं, कमाल देखिए ना। आप कृपा करके इनको हटाइए यहाँ से, ना तो माथा का नस फट जाए। तो ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी। अब आप खंबा जैसा काहे खड़े हैं, जाइए लपक कर धरिए साले को। अब तो यह व्यर्थ का परिश्रम होगा श्रीमान। अब तो खैर क्या होगा, बेमतलब हजारों रुपये निकल गए। सबके ऊपर धुन सवार था कि कैसे पैसे दिया जाए, हमारा भी 2000 चला गया। ऐसे कमोबेश कुछ ना कुछ तो सभी का गया है। आप लोग यहाँ रुपयों के लिए घूम रहे हैं, हुआ तो पद्म भूषण हाथ से फिसल गया मियाँ। ऐसा नहीं हो सकता जी, हमको दिल्ली ले जाने वाला था, बेबी से ब्याह करने वाला था। कर तो ली ही ब्याह, अरे हमारे साथ तो पूरा हनीमून ही मना गया सब। अब जाओ अंदर, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कौन सरवा बोला था रे परताली अफसर है, कौन सरवा बोला था? ये रूमर सबसे पहले लोटा प्रसाद और चिलम चिमिया ने उड़ाया था। अरे उधर सटक के काहे खड़े हैं, जरा सामने आइए। क्या अनसेंट बकर है मिया, हम तो कुछ बोले ही नहीं थे। झूठ मत बोलिए, आप दोनों नहीं तो कहा था? भला हमने कहा था, अब इनको देखिए का महाराज, अब यह कीजिएगा। शरीफों का भी कोई कायदा होता है मियां। संजय आप दोनों ही मेढक की तरह टकरा रहे थे। मिल गया मिल गया, जांच अधिकारी मिल गया। अब इनको सुनिए मियां चिलमची, यहाँ तो झूठ मूठ नंगा किया जा रहा है। चलिए यहाँ एक पल भी ठहरना उचित नहीं है। बिल्कुल चलिए जल्दी चलिए। इजाजत दे मिर्चाई फोड़ कर तमाशा देखता है ने? मन तो करता है आज ही कमंडल पार्टी धर ले, तुम्हारा तो हुलिया टाइट हो जाएगा चिलम चिमिया। क्या कुका है? साले दीवारे पर साट देंगे। ससुर तुमको तो सरियाने के लिए मंडले कमीशन काफी है। देखिए चुनाव का समय नजदीक है, उलझल उल स्टेटमेंट मत दीजिए। इलेक्शन कमिश्नर सुन लेगा, एक और बनाएगा थपरा जाएगा। अब आपके मानसिक क्षति की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन आर्थिक। हाँ यह ठीक याद दिलाया। हुजूर ओ गजब का धोखा हुआ। अरे हुजूर मेयर साहब। अरे क्या हुजूर हुजूर कर रहे हो, देखते नहीं हुजूर का मूड खराब है। अरे जीवन भर एक से एक लोगों को हम उल्लू बनाए, ये पुट्ठा देख रहे हैं, किसी के हाथ नहीं लगने दिया था, और ये साला 30 साल का छोकरा हमारे हजामत बनाकर चला गया। अरे हुजूर मैं साहब, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अब होने जीवन भर याद रहेगा गज्जू, जीवन भर। अरे हुजूर मैं साहब। अरे क्या हुजूर हुजूर कर ले हो, क्या है ये जोकर? अरे तुम भीतर कैसे आए? अरे कौन हो तुम? अरे चिन्हबे नहीं का सर्किट हाउस के स्टाफ है हुजूर, पूरा शहर तो नाप दिए। अरे बेदम हो गए, आपके घर से लेकर आपके घर तक, फिर हिम्मत करके यहाँ आए हुजूर। खोजते खोजते क्या बात है, आप सबको मेयर साहब के साथ तुरंत तलब किया गया है। दिल्ली से सीबीआई का बहुत बड़ा अफसर हुआ है जो पूरा हुजूमे है, बीड़ी रस्सा हथकड़ी के साथ। अब तुरंत चलिए, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। हम जाते हैं। नाटक में आने का आप सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं हम लोगों की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई। आइए नाटक के पात्रों से आपका परिचय करवा दें। मेयर की भूमिका में नितिन देव, इमरती देवी की भूमिका में मोनिका मेहता चित्रा, देवी की भूमिका में शोभना उपाध्याय, मैजिस्ट्रेट की भूमिका में विजय राजवैद्य, सिविल सर्जन की भूमिका में संतोष कुमार,
स्कूल इंस्पेक्टर की भूमिका में शैलेश कुमार, पोस्टमास्टर की भूमिका में अजय सोंधी, चिलमची खान और बैरा की भूमिका में सुमित गुहा, डोटा प्रसाद की भूमिका में सुप्रणम्य रंजन, इस शो के प्रोड्यूसर अर्थात निर्माता और कुमार की भूमिका में अभिषेक दास, उम्मीद है आपको सेट्स और प्रॉप्स पसंद आए होंगे। आइए आपका प्रोडक्शन टीम के साथ परिचय करा देता हूं। सबसे पहले गोपी, राजा राम, जूही मोहन, डैन दलाल, प्रदीप गुप्ता, रम्या, सौम्या, वेंकट, सुमति, गुरु प्रसाद और कविता दलाल। लाइट्स पर है श्रीकर श्रीनाथ, साउंड्स पर आदित्य, तो अगर आपको यह नाटक पसंद आया, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि बाहर जाते हुए नाटक की ईमेल लिस्ट पर जरूर साइन करें। हम वादा करते हैं आपको कभी स्पैम नहीं करेंगे, और our emails are usually about our productions and upcoming auditions। और मैनेजर, झूलन, पियून और निर्देशक के रूप में नवज्योति शर्मा।